पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आफ्टर वन एम में। और आज मैं जिस लोकेशन पे आया हूँ वो आंटी मेरे साथ हैं। इस लोकेशन की स्टोरी क्या है बताएंगे, क्या हुआ था? मैं पहले होता था जी, पहले एक सरू थी इधर, मैंने लेकर दो एक दो दो बच्चे, दो बरस की बात है, इधर भी लेकर ले तो मैं ऐसे जा रही जी, तो इसने बहुत कच्चा रहा कर कर कर, तो मैंने पीछे नहीं देखा, दूसरे आगे गई जब ही रोज पीछा रहा, जब भी मैं नहीं बोली बस आके बस मैंने ऐसे पढ़ी नहीं, तो ऐसे मेरे को पवन चालू हो गया, माता जी आ गया। तो मैंने बोला जा जा तू क्या करेगी, भाग इधर से, चुप हो गया इधर इस गली में एक गली। तो उसके बाद और लोग भी बोल रहे थे कि उनको कोई दिखाई, एक भाई ने बोला कि कोई जलती भी और कहीं को गई, ऐसा भी बोला था भाई। आगे वो आगे बंधन में आ गई, नहीं आती। आगे मैंने करया, 3 साल हो गए, चौकी मार दिया मैंने, तो अभी नहीं होता है, अभी समझ समझ की बात है। हाँ सही बात है, चॉइस गलत, माता रहती नहीं, बाहर है, बच्चा है, बहू है, लड़कियों है, सब आने जाने, सब ऐसे होता है। तो हमारा तो ऐसा होगा ना, देखो आंटी की दिखेगा तो नहीं, जो हम पे वो है ना औजार है उसमें आ जाता है वो चीज़। हाँ, तो वही पर देख लेंगे, अगर कुछ होगा तो यहाँ पर लगाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। मतलब कहते हैं कि लोग और क्या कहते हैं गली के बारे में, घर मतलब कोई घर वगैरह, आदमी रात को बाहर निकलता नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? डर के मारे नहीं निकलते, ऐसे आते हैं तो कोई दरवाजा खखराते, कोई पत्थर मारते हैं, रात को ऐसी आवाज आती है, 2 बजे ऐसे होते ही है। उमर से खुला ही मकान है, ऐसे सब गंदगी हो गई है, अभी इसमें तो सब बल्ला आती है, कौन देखेगी, डर से भी कौन निकलेगी बेचार, ऐसी मैंने जैसी है तो मैं तो निकल जाती हूँ। सुन वो तो ऐसे ही होता तो नहीं निकलेगी ना, अगर क्या मालूम तुम देखो आ जाएगी, मैं जे जे ठेकना है तो मैं दिखा दूंगी। आप मुझे जगह बता देना कि आपको कहाँ पर दिखी, तो पहले वो जगह देख लेते हैं जहाँ पर आंटी जी को दिखी, उसके बाद डिवाइसेस लगाएंगे, फिर चेक करते हैं कि हमें यहाँ क्या मिलता है। चलिए आओ, चलो चलो कहाँ देखा था आपने, इस जगह पर देखिए। अच्छा यहाँ से शुरू करूँ फिर? हाँ। और यहाँ से कहाँ तक है? फुल लोकेशन, लोकेशन पूरी दिखा दीजिए, आप आगे जाइए। ये घर है वो, ये घर है वो, यहाँ बैठता है इसके ऊपर, आपने देखा था जो। तो आंटी ये कहना है इस घर में है, इस घर में उनको वो चीज़ दिखती है, और अभी दिखाऊंगा इसके बाद घर अंदर से, इस घर को देखो अंदर से, घर देख लो ऐसा है ये, बाकी सामने तार लगा हुआ है वो भी शायद खुला है, दिखाऊंगा अभी अंदर को जाके। तो फिलहाल डिवाइसेस बाहर लगाते हैं और इनका धन्यवाद, इन्होंने देखा, अगर ऐसा कुछ दिखता है ना तो मैं आपको इसके ऊपर दिखता है, इसके ऊपर बैठा हुआ दिखता है, ऐसे दांत कच्चे थे, दांत का मतलब दांत कटते रहते हैं, आवाज आती है। और कहाँ तक है इस गली का मतलब? इधर इधर भी देखो, चेक कर सकते हैं, यहाँ पे रहता है घर में अभी, ठीक है चलो देख लो, यहाँ से चढ़ के इधर से इधर बैठता है। ये तो मैं आज जाती है ना तो साला भाग जाता है, यहाँ बैठता है। हाँ। और आप जाते हो तो भाई आता है? हाँ। भाई आता है। अच्छा। एक लड़की है। हाँ। जल गई है ये। हाँ। क्या मालूम अभी है, इनसे मैंने बांध लिया था। अच्छा। पर अभी आती है नहीं आती, इधर कितना 5 मर गए, यहाँ पे 5 लोग मर गए बच्चे, और एक औरत वर्गन हुआ था वो गुजर गई,
इस जगह पर? हाँ इस जगह। इस जगह पर ऐसा क्या है पता नहीं। तो चलिए जगह हमने देख ली है, अब हम दीवार पर लगाते हैं चारों तरफ जितना हमसे कवर हो सकता है, पूरी गली को एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे आपको हमें कुछ मिलता है। अजय एक गले पास है भाई, बताइए। हां देख रहा हूं। दीवार वाले भाग में इधर होता है, दरवाजा बंद हो जाता है, अंदर आवाज आता है, इधर से करके इधर दिखता है। इधर से दरवाजा बंद हो जाता है अपने आप? हाँ अपने आप दरवाजा बंद हो जाता है। रोता है, रोने की आवाज आती है। हाँ लड़की लड़के को इधर खड़ा रहता है, इधर खड़ा रहता है। ये लोग का कुछ डराते हैं। अच्छा इन लोगों को डराता है। तो कब से हो रहा है ये? 5 वर्ष हो गए। 5 साल से ऐसे हो रहा है। पर मैंने चौकी मार दिया था ऊपर, तभी पासू सर को हो गया, जूनी चौकी हो गई, अभी होता है रापस। अच्छा चलो देखते हैं। हाँ चल ले ले। इस जगह पे क्या होता है? इधर से वो मुझे कैमरा के सामने जाओ। पेपरी पेपरी के ऊपर है वस्तु, दूसरी सफेद साड़ी है, पर इनको मैं बिठा दिया है, हैरान नहीं करती है, पर सही है। तो आपके कहने का मतलब है 4-5 आत्माएं हैं यहाँ पर? इधर इधर 4-5 आत्माएं जगह पे। 4-3 बच्चे एक औरत एक जल के लड़की गुजर गई थी, 5 हुए। तो देखा आपने सुना, एक इतनी बुजुर्ग हैं और आपको पता है कि छूट तो बोलेंगे नहीं। नहीं इनका, नहीं इनका कहना है, नहीं अब समझाना पड़ता है। इनका कहना है कि 5 आत्मा यहाँ पर हैं और जो जो जहाँ यहाँ पर दिखता है उन्होंने सब जगह बता दी हमें। अब हम यहाँ पर डिवाइसेस लगाते हैं और चेक करते हैं। एक बार भाई लोगों से ही पूछ लो, भैया आप लोगों को भी कुछ दिखा अभी यहाँ पर? देखा रिजल्ट देखा। क्या देखा आपने? क्या देखा? मैंने आत्मा ही देखी ऊपर। क्या मतलब क्या देखा? आदमी देखा और देखा क्या? आदमी आप भी देखा? अच्छा और भैया आपने देखा? आपने क्या देखा? इनको तो आया था ना शरीर में, आया था शरीर में, आया था शरीर में आए ना, जो गंदगी है ना कचरे इसे अलर्ट देते। अरे आप कचरे के ऊपर लेट गए थे? ऐसे सो गए थे, आपको पता भी नहीं कि आप कब सोए क्या नहीं। निकल जाता ही ना आत्मा, आत्मा निकल जाती है ना तो गिर जाते हैं, ऐसे तो गिर जाते हैं ना, बल्ला आ जाती है। और किसी को? और वो जो मैडम है आपको किसी को हुआ भाई साहब कभी कोई दिखा ऐसा कुछ? रेखा और लक्ष्मी विजय ने कोई नहीं। इधर दो देख लो, चलो देख बीनते हैं। मेरी लड़की किधर गई? वो सुनीता। सुनीता हाँ जिस देखा उसको बुलाओ ना। मैं नहीं रहती ना आजल में, जब भी होते तो देखा, बताइए आप आइए। मैं आजल में नहीं रहती, जब भी होते। हाँ मैं वो घर दूसरा घर मेरा चले जाने तो वापस ऐसे हो जाता, मेरा सामने तो आता ही नहीं है। तो इस वीडियो के हो सकता है कि 3 या 4 पार्ट बने, जितने भी पार्ट बनेंगे वो सब आपको चैनल में आते रहेंगे। आवाज़ पहले आप सुन लो लोगों से कि लोग यहाँ के क्या कहते हैं जो यहाँ पर रहते हैं। हिंदी में बोलो, हिंदी में। आपने भी देखा क्या? बताइए क्या देखा आपने? हिंदी में बोलो। अरे चप्पल ऐसे चप्पल तो बोल, ऐसी चप्पल की आवाज आ रही है, ऐसे आवाज रखा है, आवाज आती है बताओ। ऐसे ही बोल दे, आवाज आती है आपको? आप क्या देखा है यहाँ पे? क्या देखा? देखा नहीं, ऐसे आवाज आ रही थी। आवाज आती है। कब की बात है? आवाज कब से आ रही है आपको? कल आई है? कल क्या आवाज आई है? ऐसे अच्छी छिक्का से ऐसे क्या जैसे कोई आवाज आपको देखकर बुलाता हो। अब ये दिखाऊंगी मेरा घर। अच्छा नहीं नहीं आपने जैसे कितना टाइम हुआ था जब आपको आवाज आई? कल कल 3:30 बजे पति ऐसे आई ना, मैं दूसरा घर में सोई है, ऐसे आई थे मम्मी मम्मी मेरे को सिर मत्था दुखता बहुत, क्यों तो मैंने ऐसे बुखार है, उनको बुखार तो नहीं है बेटा, चलते मैंने गोली दिया चले गई। दूसरी गली आप लोगों ने सुन लिया होगा। अब आपको दिखाते हैं जहाँ जहाँ इन लोगों ने हमें जगह बता दी है, इस जगह को मार्क कर लिया हमने। शुरुआत करते हैं गली के शुरू से। चलो अंदर करके बंद
किस प्रकार की आवाज आती है एक बार जरा करके दिखाइए, जैसे कोई दरवाजे पे दस्तक देता हो इस तरीके की। कल हुआ ऐसे में, कल के साथ हुआ है। ये तो पकड़ जाएगी, जो इंसान हुआ वो तो गमे तो पकड़ा जाएगी, इंसान होगी तो पकड़ा जाएगी। ऐसे ऐसी आवाज आती है, जैसे कोई बुलाता हो इस तरीके की आवाज आती है। झांझर की आवाज, जैसे पैर चलते हैं बरोबर, जैसे पाँव के अंदर झांझर बांधते हैं, उसकी आवाज। अच्छा, आपने भी सुनी है आवाज? नहीं, मैंने एक बार सुनी थी। अच्छा, बाकी दोबारा नहीं सुनी। एक बार सुनी है आपने? जैसे पैर में पायल पहन के कोई चल रहा हो इस तरीके की आवाज। तो अब करते हैं गली के शुरू से इस काम को शुरू। चलो ले ले, वो बोलती नहीं, उबर इन ले ले से। आया था अभी सिग्नल यार, यहाँ पे नहीं आता है अभी, जस्ट ये वजह नहीं, हिलाने में नहीं आ रहा ये। हाँ ऐसा नहीं, हिलाने में नहीं आ रहा, बट ये आता सिग्नल अभी, ये देखो ये हिलाने में नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा नहीं हिलाने में आ रहा था, हिलाने में नहीं आ रहा, पर यहाँ पर ये आ रहा है ना सिग्नल, ये फ्रिक्वेंसी आ रही है यहाँ पर, ये रेडिएशन। देखो हिलाने में नहीं आ रहा है, ऐसे कोनों हिलाने में आ रहा है, ये हिलाने में देखो ये नहीं आ रहा, देखो ये, देखो ये 9.5 पे आ रहा है, 9.5 पे रेडिएशन आ रहा है। इसको यहाँ पर देता हूँ मीटर को, अगर कुछ होगा तो यहाँ पर ऐसे रिकॉर्ड हो जाएगा। बाकी एक 10 मीटर अंदर के आता हूँ, फिलहाल सेंसर लगाता हूँ पहले। तो डिवाइसेस हमने लगा दिए हैं, डिवाइसेस कहाँ कहाँ लगा रखी पहले आपको दिखा देता हूँ। देखो पहला सेंसर मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है ये, और उसके बाद आते हैं इधर की तरफ। एक सेंसर ये लगा रखा है, एक किलोमीटर ये रखा हुआ है। देखो दोनों वर्किंग है, और अभी सेंसर और दोनों किलोमीटर वर्किंग है, ऑन है, देख रहे होंगे आपको। एक सेंसर मैंने ये लगाया हुआ है इस गली में, फिलहाल को ऑफ कर देता हूँ मैं, अभी ऑन करूँगा, ये इसको पूरा गली को कवर करेगा। एक जो है नेट जो कैमरा लगा था यहाँ पर, क्योंकि आंटी बोल रही थी यहाँ से कुछ बच्चे अच्छी आवाज आती है उनको, तो एक कैमरा यहाँ पर लगा रखा है जो इस एरिया को कवर करेगा, और एक सेंसर यहाँ पर रखा हुआ है मैंने, जो कि आंटी बोल रही थी कि यहाँ पर 4-5 लोगों की डेथ हो रही है इस जगह पर, एक सेंसर मैंने यहाँ पर लगा दिया, और मैं इसको ऑन भी कर दूँगा। हम चलते हैं पीछे की तरफ को, और जो गली का शुरुआत है वहाँ से क्वेश्चन करेंगे, अगर कोई सेंसर जलेगा तो हमें इंडिकेशन मिल जाएगा, तो तुरंत इस तरफ आएंगे। ये भी ऑन कर दे रहा हूँ, ऑन कर दिया है, वॉल्ट मीटर मेरे पास है, मैं चेक करूँगा उसमें क्या मैं आ गया हूँ वोल्टमीटर मैंने ऑन कर दिया है, और इससे अब यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर रख के इसको आगे जहाँ पर इनका घर है वहाँ पर रख के क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई चीज़ होगी और हमसे बात करने की कोशिश अगर करेगी, या अपनी मौजूदगी फील वो हमें कराएगी, तो उसके सुनते हैं और उसको देखते हैं। चलिए आइए।
जो उनका मेन घर कहा जाता है, तो मैं अंदर चले जाता हूँ और अंदर से उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। लाइट बंद कर देंगे और इनसे क्वेश्चनिंग करने की कोशिश करेंगे। अंदर ही आ जाओ, अभी अंदर आ पाओगे? नहीं आ पाओगे तो छोड़ो, लाइट बंद करो। क्या कोई यहाँ पर ऐसा मौजूद है जो मुझे अपने होने का एहसास यहाँ पर कराना चाहता हो? देखिए, मैं सिर्फ आपकी मौजूदगी का एहसास जानने यहाँ पर आया हूँ। अगर आप यहाँ पे हैं तो आप ये जो मैंने सामने मीटर रखा हुआ है, आप इसके सामने से जाएंगे तो इसमें लाइट जलेगी जो यहाँ पर मुझे आपके होने का एहसास कराएगी। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मैंने सुना है कि यहाँ पर पांच शक्तियाँ, पांच आत्माएं मौजूद हैं। क्या ये सच है? क्या वाकई यहाँ पर कोई आत्मा मौजूद है जो यहाँ के लोगों को अपने होने के एहसास कराती है? अगर हाँ तो मेरी आपसे एक विनती है, गुजारिश है कि आप एक बार इस लाल मीटर के सामने आए अगर आप इस मीटर के सामने आएंगे तो ये जलेगा जो यहाँ पर मुझे आपके होने का एहसास कराएगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या यहाँ पर कोई भी ऐसी आत्मा मौजूद है, या वो किसी बच्चे की हो या कोई लेडी हो या कोई आदमी हो? अगर हाँ तो मैंने इस गली में एक लाइट रखी हुई है जो यहाँ पर मुझे आपके होने का एहसास कराएगी। अगर आप यहाँ पे हैं तो मुझे अपने होने का एहसास कराएं। मैं यहाँ पर ये जानने आया हूँ
कि जैसा कि लोग यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पर उनको कुछ आवाजें आती हैं, क्या ये बात सच है? अगर हाँ तो आप इस गली में गली से जाइए, आप इस गली से जाएंगे, आपका एहसास इस गली में मुझे होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप यहाँ पर हैं। क्या कोई है जो मुझे सुन रहा हो? देखिए, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, मैं सिर्फ यहां आपके होने का एहसास जानने आया हूं। अगर आप मुझे अपने होने का एहसास कराते हैं तो मैं यहां से चले जाऊंगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप इस बार इस लाइट के सामने से जाइए, घर उन्हीं का है, क्या लिखा हुआ है नाम? पुरुषोत्तम भाई वी बेहल, नाम देखो ना, पुरुषोत्तम भाई है कोई यहाँ पर? कोई पुरुषोत्तम भाई यहाँ पे है? देखिए पुरुषोत्तम भाई, अगर आप यहाँ पर हैं तो एक बार मुझे अपने होने का एहसास यहाँ पर कराएं। इस गली से भी जाएंगे अगर आप तो तब भी जो कुत्तर हो रहा है गली में, तब भी मुझे रोने की आवाजें आ रही हैं। क्या इस कुत्ते की रोने की आवाज को आप चुप करा सकते हैं? क्या इस कुत्ते का रोना आप चुप कर सकते हैं? पुरुषोत्तम भाई अगर आप हैं तो आप इस कुत्ते का रोना चुप करिए। अगर आप पुरुषोत्तम भाई हैं तो इस कुत्ते का रोना चुप करिए। आपका धन्यवाद। क्या आप इस कुत्ते का रोना दोबारा बोलने से पहले कुत्ते का रोना दोबारा? वो पुरुषोत्तम भाई आप यहाँ पर क्यों हैं? आप एक बार फिर इस कुत्ते की आवाज को चुप करिए। आपका धन्यवाद। क्या आप इसकी आवाज को दोबारा बुला सकते हैं एक बार? क्या आप कुत्ते की रोने की आवाज को बुला सकते हैं? उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा पुरुषोत्तम भाई। क्या आप ऐसा कर सकते हैं?
देखिए मेरा मकसद सिर्फ आपसे बात करना है, अगर आप यहाँ कहीं भी हैं तो आप यहाँ पर आइए। आप मुझे देख पा रहे हैं और मैं जानता हूँ आप यहाँ पे हैं।